हाँ जी, कहाँ तक कर लिया था? गिलोटिन करवा दिया सबको। किसने? रोबेस्पियर ने, है ना? और उसके बाद क्या हुआ, उसको भी गिलोटिन करवा दिया गया। क्यों करवा दिया गया? उसको देशद्रोही साबित कर दिया गया कि जी ये देशद्रोही है, इसको भी फांसी पे चढ़ा दो। फांसी पे नहीं चढ़ाया था उसको, क्या किया था उसका? गिलोटिन का मतलब क्या होता है? धड़ से अलग कर दी। क्या कर दी? गर्दन। ठीक है, क्या कर दिया? गर्दन को धड़ से अलग कर दिया। काम खत्म उसका। किसका काम खत्म? रोबेस्पियर का। ठीक है, पूरा नाम याद रखना। आगे चलते हैं। देखो भाई, अब आती है डायरेक्टली। क्या आती है? डायरेक्टली। क्या आती है? डायरेक्टली। जोर से बोलो, डायरेक्टली। क्या आती है? डायरेक्टली। गुड। चलो जी, आगे देखते हैं इसको। सबसे पहले क्या हुआ? सबसे पहले क्या था? यहाँ पे राजतंत्र था। क्या था? राजतंत्र। राजतंत्र। उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र, क्योंकि संविधान लागू हो गया था। सबसे पहले क्या था? राजतंत्र। क्या हुआ? हाँ जी, सबसे पहले क्या हुआ? राजतंत्र था फ्रांस के अंदर। उसके बाद संवैधानिक राजतंत्र हो गया। क्या हो गया? संवैधानिक राजतंत्र। उसके बाद क्या हुआ? नेशनल असेंबली का गठन हुआ। हुआ ना नेशनल असेंबली का गठन। उसके बाद क्या हुआ? कन्वेंशन हुआ। कन्वेंशन कराया था। ठीक है, कन्वेंशन के बाद क्या हो गया? डायरेक्टरी आ गई। क्या आ गया? डायरेक्टरी आ गई। अब डायरेक्टरी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टरी को क्या करेंगे? पढ़ लेते हैं। जैकोबिन के पतन के बाद, यानी कि जब जैकोबिन का अंत हो गया, खत्म हो गया जैकोबिन, कब से कब तक चला रोबेस्पियर का भाई? 1793 से 94 तक। किसका राज चला? रोबेस्पियर। किसका राज चला? रोबेस्पियर का। और क्या कहा गया उसको? आतंक राज। क्या कहा गया? आतंक राज। आतंक राज। ठीक है, जैकोबिन के पतन के बाद एक नए संविधान को लागू किया गया और फिर से सत्ता मध्यम वर्ग के हाथों में आ गई। फिर से कहाँ आ गई? मध्यम वर्ग। तृतीय स्टेट में जो मध्यम वर्ग था उसके हाथों में सत्ता आ गई। अब क्या कानून वानून यही बनाएंगे, जो भी करना है ये अपने आप से करेंगे। तो नए कानून बनेंगे। देखो, जब कोई नया, अभी भी देख लो तुम इंडिया में वर्तमान में 2024 में भी, कि अभी बीजेपी की सरकार है, कल किसी और की, तो इनके अलग नियम कानून है भाई। पहले मनमोहन सिंह की थी, फिर मोदी जी आए, क्या किया? डेमोनाइजेशन कर दिया। ठीक है, इतने सब कुछ मतलब बहुत सारे बदलाव आ गए, बहुत नए नए नियम कानून बना दिए। तीन तीन तलाक को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया? तीन तलाक को खत्म कर दिया गया। ओके, फिर अब अच्छा काम करेगा तो दोबारा 5 साल के लिए आएगा। अगर समझ में नहीं आया जनता को काम, तो किसी और को चुन लेगी। फिर बहुत सारी पार्टीज है यहाँ पे। ठीक है, तो फिर क्या करेगा? नया नेता, नए नए नियम, नए कानून, ये सब ही होता है। यस मैम। तो उन्होंने क्या किया? नए कानून स्टार्ट किए। इस नए संविधान के अनुसार क्या हुआ? जिसके पास संपत्ति नहीं थी उसे वोट डालने का अधिकार नहीं था। पहले क्या था? जैकोबिन क्लब जब था तो क्या था? रेट फिक्स कर दिए थे, वेतन फिक्स कर दिया था, किसान किस रेट पे शहर में जाके अनाज बेचेंगे वो फिक्स कर दिया था, कौन सा समता की रोटी खाएंगे ये फिक्स कर दिया था। ठीक है, सब वोट देंगे, कोई अमीर है गरीब है, उच्च जाति का नीच जाति का है, सब के सब वोट देंगे। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया कि जिसके पास संपत्ति नहीं है वो वोट नहीं दे। ठीक है, आगे आते हैं। सरकार चलाने के लिए दो विधायिकाओं का गठन हुआ जिसके सदस्यों का चुनाव होता था। विधायिकाएं होती थी दो। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही कराया था बिल्कुल, कि दो विधायिकाएं होती हैं जिनको कौन चुनता है? लोग चुनते हैं। और कौन से लोग चुनते हैं? जिनके पास संपत्ति है वो चुनते हैं। जिनके पास संपत्ति नहीं थी उनको वोट तो वोट डालने का अधिकार ही नहीं था, तो चुनेंगे कहां से वो लोग? तो दो क्या थी? विधायिकाएं। और दो विधायिकाएं 5 सदस्यों को चुनती थी। ठीक है, तो ये क्या होते थे? 5 सदस्य क्या होते थे? डायरेक्टरी होते थे। समझ में आया? डायरेक्टरी और विधायिका। विधायिका होती थी हमारे में से ही 2 बंदे चुनते थे, 2 या 4 जितने भी होते थे एक विधायिका में। फिर
उसके बाद जब विधायिका होती थी वो 5 लोगों को सेलेक्ट करती थी भाई उनमें से ही, ठीक है। तो इस तरह से डायरेक्टरी और विधायिका का चुनाव होता था। ओके ओके, नेक्स्ट आते हैं। दोनों काउंसिलों को मिलकर 5 सदस्यों वाली एक डायरेक्टरी का चुनाव करना होता था, जो मैंने अभी बताया कि दो विधायिकाएं मिलकर क्या करती है, 5 सदस्यों का चुनाव करती है। समझ में आया? वेरी गुड। जिसे सरकार चलाने की जिम्मेदारी मिलती थी, अब जिम्मेदारी किसको मिली सरकार चलाने की? डायरेक्टरी को। और डायरेक्टरी कौन है? ये 5 सदस्य है और ये ऊपर क्या है? विधायिका है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं। इस डायरेक्टरी को काउंसिल के बहुमत वोट से हटाया भी जा सकता था। जरूरी नहीं है कि ये 5 साल के लिए ही काम करेगी, ऐसा जरूरी नहीं था। जब चाहो उनको वोटिंग कराओ और समझ में नहीं आया इनका काम वोटिंग कराओ तो जनता क्या करेगी? हटा देगी। अगर सही काम नहीं कर रहे होंगे, ज्यादा वोट जिसकी होगी उसकी बात मानी जाएगी। रखना है तो रखना है, निकालना है तो निकाल देना है। तो क्या हो जाएगा? इनको हटा भी सकते हैं। किसको हटा सकते हैं? डायरेक्टरी को, जो इन्होंने चुनी है इन लोगों ने, ठीक है। आगे आते हैं। ऐसा इसलिए किया गया ताकि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता का केंद्रीकरण ना हो कि जी मैं बन गया राजा अब जो मर्जी करूं, तो ऐसा ना हो इसके लिए क्या किया कि बहुमत जब होंगे तो इनको हम हटा सकते हैं। गॉट इट? आगे आते हैं। डायरेक्टरी और काउंसिल के बीच अक्सर टकराव होने से राजनीतिक अस्थिरता आ जाती थी। अब इन लोगों से शांत नहीं रहा गया, ये भी आपस में झगड़ते रहते, ये नियम सही है, नहीं ये गलत है, नहीं ये सही है, नहीं मेरा वाला सही है, नहीं तुम्हारे वाला सही है, मतलब ये सब था, ठीक है। तो ये एकजुट नहीं थे, तो क्या होता रहता था? राजनीतिक अस्थिरता, मतलब राजनीतिक डावाडोल होती रहती थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। इससे नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन जो था वो जनरल था, आर्मी का जनरल। नेपोलियन बोनापार्ट क्या था? आर्मी का जनरल, इनाम है याद रखना नेपोलियन, ठीक है। इससे नेपोलियन बोनापार्ट नामक मिलिट्री तानाशाह के लिए दरवाजे खुलने लगे। आज हम अपने घर में लड़ाई करेंगे, ठीक है। सपोज कि एक फैमिली है, फैमिली के अंदर 7 ब्रदर्स है और उनके फादर भी है, पता चल बसे आप जमीन जायदाद के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं जी, नहीं मेरी इतनी, नहीं ये वाला घर मेरा, नहीं ये वाला घर तुम्हारा, नहीं ये सब कुछ मेरा, नहीं ये सब कुछ तुम्हारा, एक्स वाई जेड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा उनमें? जो पड़ोसी है घर में लड़ाई होती रहती है, ठीक है। या तो वो आके एक दूसरे के खिलाफ उनके कान भरने शुरू कर देगा, या तो आके अपनी सत्ता जमा लेगा, जमीन पर कब्जा कर लेगा, लड़ते रहो आपस में, क्योंकि उनको उसको पता है कि ये एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे। उसको क्या पता है, जो बाहर वाला बंदा है, कि ये इनमें तो लड़ाई होती रहती है तो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो अकेले अकेले बंदे को तो वैसे ही हरा देगा तू। तो क्या हो गया, ये तानाशाह के लिए दरवाजे खुलने लगे। कहाँ पे खुलने लगे? फ्रांस में। कहाँ पे? फ्रांस में। कहाँ पे खुलने लगे दरवाजे? फ्रांस में, ठीक है। 1804 में नेपोलियन फ्रांस का क्या बना? राजा बना। फिर से क्या आ गया? फिर से राजतंत्र आ गया। क्या आ गया? राजतंत्र। कब आया? 1804 में। कब आया? 1804 में। क्या आ गया? राजतंत्र। राजा कौन बना? नेपोलियन बोनापार्ट। क्या था ये? कौन था? मिलिट्री का जनरल। क्या था? मिलिट्री का जनरल था। गॉट इट? गुड। हाँ जी, देखो क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। अभी तक हम पुरुषों के निष्क्रिय फिर सक्रिय इन सब के बारे में बातें कर रहे थे, ठीक है ना। आगे बात करते हैं कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। तो देखो, महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में शामिल हुआ करती थी। तुम्हें याद होगा कि बेकरी लूट ली थी एक बार महिलाओं ने, ठीक है। पाव रोटी के लिए क्या कर लिया था? बेकरी को लूट लिया। रानी ने क्या कहा कि रोटी नहीं तो ब्रेड खा लो, केक खा लो, क्या खा लो? केक खा लो, पिज्जा खा लो, है ना। उन्होंने क्या कहा कि मैडम पाव रोटी खानी है। मैडम ने क्या कहा? पाव रोटी नहीं है तो केक खा लो, पिज्जा खा लो, बर्गर खा लो, ठीक है, फ्रूट जूस पी लो।
चलो तो इनकी भी अहम भूमिका रही है इसमें, है ना। चलो, महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में शामिल हुआ करती थी। ज्यादातर महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए, मतलब जिंदा रहने के लिए, अपना पालन पोषण, अपने बच्चों को भाई खाना खिलाने के लिए, भाई वो बस खाना खाए, टाइम से भूखे ना सोए, ठीक है, तो उसके लिए काम करती थी। मैं सिलाई कढ़ाई बुनाई कपड़ों की धुलाई करती थी। क्या करती थी? सिलाई कढ़ाई बुनाई कपड़ों की धुलाई। उस टाइम पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, ठीक है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। क्या करती थी? सिलाई कढ़ाई बुनाई कपड़ों की धुलाई, ठीक है। ओके, और क्या करती थी? बाजारों में फल फूल सब्जियां बेचती थी, है ना। ज्यादातर महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई के मौके नहीं थे, पावरोटी नहीं मिल रही उनको, पढ़ाई लिखाई कैसे करेगी, ठीक है। यह मौके केवल कुलीनों, कुलीन मतलब जो राजा के ताऊ के चाचा के भाई के बहन के फूफा के लड़का था या लड़की थी, ठीक है, उनको था यह अधिकार, ठीक है। तो यह मौका केवल कुलीनों की लड़कियां अथवा धनी परिवारों की लड़कियों के पास था, जो मतलब अच्छा खासे ठीक ठाक थे, है ना, उनके पास था। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती थी महिलाओं की, और महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण करना होता था। कैसे? खाना पकाना होता था, पानी लाना, लाइन लगा के पाव रोटी लाना, ओके, और बच्चों की देख रेख करना। मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। आज भी आइए हिसाब किताब को देख लो, तुम इंडिया में मजदूरी जब करता है कोई पुरुष तो उसकी 700 समथिंग होती है। मुझे सही आइडिया नहीं है, जरा फ्री आइडिया तो शायद होती है यार, मतलब थोड़ा कुछ कि जो लेडीज होती है, लेडी की कम तनख्वाह होती है, मीन्स एक दिन की कम दिहाड़ी वगैरह होती है उसकी पुरुष की तुलना में, है ना। तो वहाँ पर क्या था कि मजदूरी पुरुषों की तुलना में कम थी। अगर पुरुष को 100 रुपये मिल रहे हैं तो लेडी को, महिला को कभी भी 100 रुपये नहीं मिलते थे, कम मिलते थे, ठीक है। आगे चलते, उनकी एक प्रमुख मांग यह थी। किसकी मांग थी भाई? महिलाओं की एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुष के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए? कि वो भी वोट दे सके, निर्वाचक बन सके, चुनाव लड़ सके, ठीक है। राजनीति का मतलब तो यही हुआ, है ना। क्या था कि उनकी मांग थी कि पुरुषों की तरह ही वो भी राजनीतिक अधिकार मिले, ओके। नेक्स्ट आते हैं भाई, अब महिलाओं ने तो उसमें किया था भाई, अपना योगदान था उनका, महिलाओं का, लेकिन क्या महिलाओं के जीवन में सुधार करने के लिए कोई कदम भी उठाए गए? बिल्कुल उठाए गए। किसके द्वारा उठाए गए? नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, ठीक है। क्या किया महिलाओं के जीवन में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदम कौन कौन से थे? क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए जो इस तरह से है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य कर दिया, सब लड़कियों को शिक्षा मिलेगी, चाहे कोई धनी है चाहे कोई निर्धन है, ठीक है। अब पिता उनकी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बातें नहीं कर सकते थे। पहले क्या होता था कि पिता जब चाहे जहाँ चाहे शादी के तैयार कर देते, उस लड़की की शादी हो जाती, जिसको वो नहीं चाहती उससे भी शादी कर देते, मतलब कोई कैसा भी हो सकता है इंसान, ठीक है। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती है, वर्तमान की बात कर रहे हैं यहाँ पे, प्रेजेंट की, ठीक है। महिलाएं क्या कर सकती है? व्यवसायिक प्रशिक्षण ले सकती है, कलाकार बन सकती है, छोटा मोटा कोई भी व्यवसाय चला सकती है, ठीक है, छोटा मोटा बड़ा भी चला सकती है, अब तो प्रेसिडेंट बन रही है महिलाएं, ओके, गॉट इट। अब आगे चलते हैं, अब आगे करेंगे इसका दास प्रथा, उसके बाद खत्म। महिलाओं के बारे में कर चुके हैं, ठीक है। अभी क्या करेंगे? दास प्रथा का उन्मूलन, मतलब दास प्रथा को हटाना। क्या मतलब है इसका उन्मूलन? मतलब होता है हटाना। क्या मतलब होता है? हटाना। गुड। दास व्यापार
दास ये पार देखो समझो दास व्यापार व्यापार क्या होता है बिजनेस दास क्या होता है सर वो जैसे दास इंसान होते थे ठीक है उससे हम कुछ भी करवाते थे जो हमारा दिल चाहे वो करवाते थे ठीक है लेकिन उनको खरीदा और बेचा जाता था जैसे भैंस को मवेशियों को बेचते हैं मवेशी क्या होता है जानवर भैंस गाय घोड़ा हाथी ऊंट सब क्या होते हैं मवेशी तो इन बकरी वगैरह भेड़ वगैरह डॉगीज वगैरह होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं बेचते हैं और खरीदते हैं वैसे ही इंसानों को बेचा और खरीदा जाता था उनके जीवन पे उनको अपना स्वयं का नियंत्रण नहीं होता था ठीक है तो क्या होता था देखते हैं तो दास व्यापार का मतलब क्या है कि लोगों का बिजनेस लोगों को बेचना लोगों को खरीदना फिर हम तो खरीद के लाए हैं खाना देना दे मर जाए बुखार से पीड़ित होकर मर जाए ओल्ड डेथ हो जाए उसको कुछ भी हो जाए लड़ गया अबाउट दिस क्या हो जाएगा उनको नुकसान है नहीं है काम करवा दे रहा उससे डंडे से मारो काम करवाओ सोच रहे हो दास का मतलब क्या होता दास व्यापार 17वीं शताब्दी में शुरू हुआ कब शुरू हुआ भाई 17th century 17वीं शताब्दी में फ्रांसीसी सौदागर होते हैं जो सौदेबाजी करते हैं व्यापारी ठीक है फ्रांसीसी सौदागर बंदरगाह से अफ्रीका तट पर कहाँ पर अफ्रीका तट पर जहाज लेके जाते थे जहाँ से सरदारों से दास खरीदते थे दास मतलब इंसानों को खरीदते थे कहाँ से खरीदते थे अफ्रीका से कहाँ से खरीदते थे अफ्रीका से क्या खरीदते थे दास दास दासों को खरीदते थे किससे खरीदते थे स्थानीय सरदारों से ठीक है कौन खरीदते थे फ्रांसीसी सौदागर फ्रांसीसी सौदागर अफ्रीका में सरदारों से क्या खरीदते थे दास खरीदते थे दासों को हथकड़ियां डालकर कैसे क्या उनको सजा सजा के नए कपड़े पहना के लाते थे नहीं हथकड़ियां लगा के ताकि वे भाग ना जाए ठीक है दासों को हथकड़ियां डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 महीने की लंबी समुद्र यात्रा के लिए जहाजों में ठूस दिया जाता था कुछ जिंदा निकलते थे कुछ मर जाते थे कुछ घायल हो जाते थे भैंसों की तरह जानवरों की तरह उनको 3 महीने के लिए भर दिया जाता था ठूस दिया जाता था देखो वर्ड ठूस दिया जाता था ठीक है अब जिसको मिले मिले जिसको नहीं मिले नहीं मिले अब जहाज में जहाज जा रहा है कोई उस टाइम में थी टेक्नोलॉजी नहीं थी कोई हेलीकॉप्टर के द्वारा तुम उसको खाना दे रहे हो ठीक है ऐसा कुछ नहीं था तो कैसे क्या करेगा जितना उनके पास पर्याप्त होगा जितना उनके पास है या जो उन्होंने खाया और बच गया उनको दे दिया ऐसा हुआ होगा ठीक है ऐसा हुआ होगा आई एम नॉट श्योर ओके नेक्स्ट आते हैं वहां उन्हें बागान मालिकों को बेच दिया जाता था फ्रांसीसी सौदागर सरदारों से खरीदते थे और बागान मालिकों को बेचते थे ठीक है यहाँ से ले जाके इस देश से दूसरे देश में बेचते थे वो भाग के भी नहीं आ सकते ओके नेक्स्ट आते हैं बोर्डो और नांटे जैसे बंदरगाहों के नाम है बोर्डो और नांटे जैसे बंदरगाह फलते फूलते दास व्यापार किसके कारण दास व्यापार के कारण फलते फूलते उसकी वजह से ही दास व्यापार की वजह से ही दास व्यापार के कारण ही समृद्ध नगर बन गए क्या हो गए कि वो समृद्ध नगर बन गए मतलब एक अच्छी कैटेगरी में आ गई ठीक है समृद्ध नगर बन गए 18वीं सदी में फ्रांस में दास प्रथा की ज्यादा निंदा नहीं कोई रोक टोक नहीं लगाई गई आराम से दासों को खरीदा जाता था और दासों को बेच दिया जाता था ठीक है खरीदते थे और बेचते थे नेक्स्ट आते हैं लेकिन सन 1794 के कन्वेंशन में उससे पहले 18वीं सदी से पहले के कन्वेंशन में फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी देशों की मुक्ति का कानून पारित किया ठीक है क्या कर दिया कानून पारित किया हुआ था 1794 में और फ्रांस 1848 में आजाद हुआ कब आजाद हुआ 1848 में आजाद हुआ लेकिन 1848 में आजाद हुआ लेकिन 1946 में महिलाओं को
वोट डालने का अधिकार प्राप्त हुआ। है जी, एक शताब्दी बाद समझ में आया। 1848 में आजाद हो गया और महिलाओं को वोट डालने का अधिकार 1948 में प्राप्त हुआ। नो मैम, 46 में। ठीक है, समझ में आया। 1946 में आया। चलो जी, ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। फाइनली क्वेश्चन था उसके तुम कर लेना। समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर। समझ में नहीं आया तो देख लेना, पूछ लेना तो वीडियो देख लेना। मैंने सब कुछ एक एक चीज डिटेल में बताई है। बताई है ना? यस मैम। ओके, अब उसके आगे करते हैं। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों। ठीक है, ये वाला चैप्टर करेंगे लेकिन नेक्स्ट कल करेंगे। ओके,